हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरु जी यूट्यूब चैनल। रॉयल लंदन वनडे कप में और ड्रीम इलेवन में सिर्फ आज एक ही मैच होगा, सॉरी कल एक ही मैच होगा। अभी 11:30 बज रहे हैं रात के, तो हैम्पशर और सरे का मैच होने वाला है जो कि होम ग्राउंड है हैम्पशर का, रोज बोल या फिर आप कह सकते हो एजिस बोल साउथ हैम्पटन पे होगा। अगर हम वेन्यू देखें तो क्या होने वाला है, वेन्यू में क्या क्या हो सकता है, तो 22 मैचेस टोटल इंटरनेशनल के यहाँ पर हुए हैं जिसमें बैट फर्स्ट 11 बार जीती है, बैट सेकंड जो बॉलिंग फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं 10 बार वो जीती है और एक मैच अबैंडनड हो गया था। अगर हम यहाँ पर देखें एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल तो वो 256 का रहा है और 206 का सेकंड इनिंग एवरेज टोटल रहा है। हाईएस्ट टोटल यहाँ पर लगभग 360 या 359 का बनाया और 65 लोएस्ट स्कोर बनाए। वेदर रिपोर्ट में अगर स्कैटर्ड शार्ट्स बोले गए हैं तो 25% चांसेस है रेन होने की और ड्रेनेज सिस्टम इस वाले ग्राउंड का ठीक ठाक है, तो मैच पूरा होने की उम्मीद रहेगी, बिल्कुल मैच पूरा हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बता देता हूँ, ये वाली खास तौर से जो मैं लिखता हूँ ये देखना आपके लिए, मैं बोलूँगा 100% आपको देखना चाहिए क्योंकि ये जो प्लेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप ये प्लेयर्स के बारे में नहीं जानते तो आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का जो मेरा सेक्शन है वो जरूर देखना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर इस मैच में क्या रहेंगे, जेम्स विंस लास्ट मैच में कुछ नहीं कर पाए थे। अगर हम देखें 7 इनिंग्स खेली है उन्होंने, रन अगर देखें तो 463 है, एवरेज उनका 77 है और 178 का उनका हाई स्कोर है। ये लास्ट ईयर रॉयल लंदन वनडे कप की स्टैट्स हैं जो कि 2017 में हुआ था। तो मैसन क्रेन ने भी क्या करा था, 7 मैचों में 14 विकेटें उन्होंने ली थी और बेस्ट इनका 3 for 54 था। और लास्ट मैच है, मैंने आपको बताया था अगर खेलेंगे तो विकेटें जरूर लेंगे, 2 विकेटें उन्होंने ली थी और थोड़े बहुत रन्स भी कर दिए थे। मैसन क्रेन के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जो भी ससेक्स और सरे का जो मैच हुआ था उसमें। डीन एल्गर क्या कर सकते हैं, 5th हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे और उनका 100 का एवरेज रहा था लास्ट ईयर, 6 इनिंग खेली थी, 519 रन बनाए थे और 131 का उनका हाई स्कोर था। तो डीन एल्गर को भी हल्के में आप नहीं ले सकते हो। अब बेन फोक्स को बहुत कम लोगों ने लिया हुआ है अपने ड्रीम इलेवन में। 8 इनिंग इन्होंने खेली थी लास्ट ईयर, जो कि सरे के विकेट कीपर हैं। रन्स अगर देखें तो 482 थे और 96 का एवरेज था और 92 का हाई स्कोर था, 8th हाईएस्ट रन स्कोरर थे। सैम कुरन का देख लेते हैं, सैम कुरन ने क्या करा था, हाईएस्ट विकेट टेकर थे ये, देख सकते हो आप हाईएस्ट विकेट टेकर लास्ट ईयर के, 10 मैचेस में इन्होंने 20 विकेटें ली थी। एवरेज इनका बॉलिंग एवरेज 24 का था और अगर हम देखें तो यहाँ से बेस्ट जो इनका था 3 for 43 था। लास्ट मैच में इन्होंने भी अच्छा परफॉर्म दिखाया था, इनकी टीम बहुत बुरी तरह से हार गई थी पर सैम कुरन ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी उस मैच में भी। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपकी टीम में मुझे लगता है कि 100% होने चाहिए कल के मैच में। तो एक बार प्लेइंग 11 देख लेते हैं हैम्पशर की क्या होगी। तो अनचेंज प्लेइंग 11 है जो कि हाशिम मामला ओपन करेंगे रैडी रूसो के साथ, फिर जेम्स विंस आएंगे, फिर जेक विदरली आएंगे, फिर जिमी एडम्स होंगे, फिर बी टेलर, लुइस मैकमेनस, गैरथ बर्ग ने बहुत ज़बरदस्त अपने दम पे वाला मैच जिताया, गैरथ बर्ग ने 3 विकेटें ली और रन्स बहुत तेज़ी से लास्ट में बनाए, तो गैरथ बर्ग बहुत ज़बरदस्त पिक आपके लिए होगा। मेसन क्रेन, रीस टोपली और फिडल एडवर्ड्स। रीस टोपले के बारे में मैंने लास्ट मैच में आपको बताया था कि कितने ज़्यादा अच्छे प्लेयर हो सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इंग्लैंड के खेल चुके हैं, चोट के कारण बाहर थे वरना टीम में जरूर होते, बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म सीमर हैं। यहाँ पे सी वुड, व्हील सी सोल और टी एल्सोप जो कि टॉम एल्सोप है वो भी टीम में आ सकते हैं क्योंकि कोई भी अगर इंजरी हो या फिर किसी प्लेयर को रिप्लेस करना हो तो इन्हीं 4 प्लेयर में से रिप्लेस किया जाएगा क्योंकि 15 मैन का स्क्वाड अनाउंस किया है, ये भी आप देख सकते हो जो कि ऑफिशियल स्क्वाड है इनका 15 मैन का। अब चलते हैं सरे की टीम की तरफ, तो सरे ने भी जो स्क्वाड अनाउंस किया है वो अनचेंज स्क्वाड अनाउंस किया है। तो जैक्स ओपन कर सकते हैं डीन एलगर के साथ, रॉरी बर्न्स 3 नंबर पे, फिर ओलीपो बहुत यंग प्रॉमिसिंग बैट्समैन है, बहुत अच्छे बैट्समैन है, इनको भी बहुत कम लोगों ने लिया हुआ तो उनको भी आप ले सकते हो ग्रैंड लीग की टीम में। यहाँ से बी टी फोक्स हैं जो कि विकेट कीपर हैं जिनके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया। सैम कुरन बहुत अच्छी पिक हो सकते हैं आपकी ग्रैंड लीग के लिए, स्मॉल लीग के लिए भी, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी बोलूँगा। स्कॉट बोर्थविक एक बहुत अच्छे प्लेयर है, अगर उनसे आप 7वें नंबर पर फिनिश करने को मैच बोलोगे तो वो नहीं कर सकते, इतनी उनकी टेक्निक नहीं कि छक्के चौके वो मार पाएँ, पर अगर आप उनको नंबर 3 पे बैटिंग कराओगे तो वो बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ऑर्थोडॉक्स बैट्समैन है बिल्कुल, तो रन्स टाइमिंग में ज़्यादा अपना भरोसा रखते हैं, एक तरह से चेतेश्वर पुजारा जैसे बैट्समैन मैं उनको बोलूँगा। रिकी क्लार्क 8वें नंबर पर, बॉलिंग भी अच्छी करा लेता है स्कॉट बोर्थविक, तो अच्छा ऑप्शन आपके लगा सकता है। गैरेथ बैटी, स्टुअर्ट मीकर और यहाँ से होगा जेड डनबैक, फ्रेडी वेंडरबर्ग एक ऑप्शन होगा और आर पटेल, तो इनमें से कोई प्लेयर्स खेलेंगे। एक बार फिर से आपको सरे का जो ऑफिशियल स्क्वाड है वो देख ले दो आप, तो सरे का ऑफिशियल स्क्वाड ये है आप देख सकते हो यहाँ पर। अब हम चलते हैं सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ जो आपके लिए रहेंगे, तो सेफ कैप्टन जेम्स विंस, डीन एल्गर, सैम कुरन और हाशिम अमला। तो अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हो कल के मैच में
जो कि कम छोटी लीग्स होती हैं, 3-4 प्लेयर वाली लीग्स होती हैं, उसमें खेलना चाहते हो तो ये जो 4 प्लेयर हैं इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अब ग्रैंड लीग के कुछ ऑप्शन बताता हूँ, जैसे ओली पोप हो गए, रॉरी बंस जो कि कैप्टन है, राइली रूसू, गैरथ बर्ग को बहुत लोग बनाने वाले हैं क्योंकि लास्ट मैच में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, इसलिए इस मैच में लोग बहुत कैप्टन वाइस कैप्टनों को बनाएंगे। और मेसन क्रेन क्योंकि लेग स्पिनर हैं और 3-4-5 विकेट अगर ले गए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त प्लेयर ये बन सकता है। तो अब चलते हैं ड्रीम इलेवन की तरफ। उससे पहले मैं आपको प्लेयर स्पॉट की टीम दे देता हूँ जिसका मैंने स्क्रीन कैप्चर ले रखा है। तो रॉरी बंस होंगे इसमें, राइली रूसू, हाशिम मामला, जेम्स विंस को मैंने स्टार प्लेयर रखा है। हाशिम मामला को आपको पता है कितनी अच्छी फॉर्म उनकी चल रही है, अगर हम उनको काउंटी चैंपियनशिप की उनकी बैटिंग देखें तो वहाँ पे भी, और जो लास्ट मैच हुआ था ससक्स के अगेंस्ट रॉयल अंडर वनडे कप का, उसमें भी हाशिम मामला की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। जेम्स विंस कभी भी तगड़ी एक इनिंग दिखा सकते हैं। गैरथ बर्ग एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। डीन एल्गर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, डीन एल्गर बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। यहाँ से सैम गुरन को आप देख सकते हो मैंने स्टार प्लेयर बनाया हुआ है, अपने 10 ओवर करेंगे और बैटिंग तो उनकी आएगी क्योंकि 6-7 नंबर पर आते हैं। बेन फोक्स विकेट कीपर पर दिया, री स्टोपली, जे डनबैक और मेसन क्रेन। तो ये आपके सामने टीम है, ड्रीम प्लेइंग 11 मैंने आपको दे दी है जो हो सकती है मोस्ट प्रोबेबल, तो आप वहाँ से देखकर और भी चेंजेस आप कर सकते हो। अब ड्रीम 11 की तरफ चलते हैं और फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहा है और लाइक का बटन जरूर दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब अभी भी कर दो और साथ में बेल आइकन दबा दो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं। कल मैंने बताया था कि सारी वीडियोस डालूंगा पर स्क्वाड ही अनाउंस नहीं किया था बहुत सारी टीमों ने, तो स्क्वाड अनाउंस नहीं करा इसलिए मैं सारी वीडियोस नहीं दे पाया। जैसे स्क्वाड अनाउंस होता तो मैं देता चला जाता। चलिए तो स्क्वाड अनाउंस हो चुका है तो आप आके देख लेते हैं क्या मैंने टीम बनाई है आपके लिए। तो यहाँ से बेन फोक्स को लिया हुआ है, लुइस मैकमेनस को आप ले सकते हो, जैसे कि हमने पहले इनिंग पहले मैच में देखा था कि 66% लोगों ने उनको लिया हुआ है, सिर्फ 4% लोगों ने उन्हें लास्ट मैच में लिया था तो अब बढ़ के 66 हो गया। तो बेन फोक्स मेरे हिसाब से सॉलिड बैट्समैन रहेंगे। थोड़ा सा लुइस मैकमेनस जो है वो नीचे बैटिंग करने आते हैं। हाशिम अमला है, यहाँ से राइली रूसो है, जेम्स विंस हैं और डीन एल्गर हैं, 4 बैट्समैन मैंने यहाँ से लिए हैं। अब अगर हम चले तो ऑलराउंडर की तरह तो रिकी क्लार्क और मैंने लिया है गैरथ बर्ग को। स्कॉट बोर्थविक थोड़ा रिस्की ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, ब्रैड टेलर भी थोड़ा रिस्की हो सकता है, जे विल जेक्स जो कि ओपन करने आए थे इस मैच में भी ओपन कर सकते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अब 4 बॉलर मैंने लिए हैं, री स्टोपले जो कि मैंने लास्ट मैच में लिया था बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, 30 पॉइंट इनके थे, सैम कुरन 43 पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बताया कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छे ऑप्शन है, फिडल एडवर्ड्स बहुत अच्छे ऑप्शन है, मेसन क्रेन को मैंने यहाँ से लिया और नीचे से मैंने लिया है गैरथ बैटी को क्योंकि सिर्फ क्रेडिट 8 ही बच गए थे इसलिए गैरथ बैटी को मुझे लेना पड़ा। यहाँ से स्टुअर्ट मीकर को भी आप ले सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है आपके लिए। तो नेक्स्ट करता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन बना के वाली वीडियो खत्म कर लेते हैं। तो कैप्टन इस मैच में मैंने बनाया है डीन जेम्स विंस को और वाइस कैप्टन आप देख सकते हो डीन एल्गर को रखा हुआ है। तो जेम्स विंस, डीन एल्गर, हाशिम अमला आपको पता है इतना सॉलिड प्लेयर है, इन बॉलर्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इनको आउट करना क्योंकि अगर फॉर्म में तो ये हैं ही, अगर चल गए टिक गए तो मुश्किल हो जाएगा इनका आउट करना। तो आप कर सकते हो कैप्टन इनको बना सकते हो, बिल्कुल एक बहुत सेफ ऑप्शन आपके लिए रहेगा। बाकी ग्रैंड लीग के लिए ऑप्शन मैंने आपको पीछे ही अपने जो मैंने स्टैट्स लिखे थे उसमें दे दिया है। तो होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।